थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पहाड़ी लाइफस्टाइल में। मैं आपकी दोस्त अर्चना जुड़ चुकी हूँ आपके साथ जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील कोटरंका का गांव मोड़ा से। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। वो वीडियो है एक ड्राई फ्रूट जो हमारे इस एरिया में पाया जाता है, जिसको हम अपनी भाषा में मलूक बोलते हैं। आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो ड्राई फ्रूट है ये पक चुका है पूरी तरह से, और हमारे घर के बिल्कुल सामने आंगन में ही ये पेड़ लगा हुआ है। तो आज हम सोच रहे थे कि इस फ्रूट को हम आज उतार देंगे। पेड़ जो है वो पूरी तरह से भरा पड़ा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मलूक का पेड़ है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे मलूक इस पे लगे हैं और पूरी तरह से ये पक चुका है। स्पेशली ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनके एरिया में ये पेड़ नहीं होता, और ये किस तरह कैसा इसका पेड़ होता है और किस तरह से ये फ्रूट इसके ऊपर लगा है और इसको कब उतारा जाता है, ये सब दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। देख सकते हो आप दोस्तों, ये मलूक का पेड़ है। अभी मैं अपने छत से ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये पेड़ है रहा और इसके ऊपर ये सारा फ्रूट। आप देख सकते हो इसके ऊपर कोई भी पत्ता जो है अभी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये पतझड़ का मौसम है, पत्ते तो सारे गिर चुके हैं, बट फ्रूट अभी इंतज़ार कर रहा है कि कब मुझे उतारा जाएगा। और आज वो दिन आ गया है कि हम ये फ्रूट उतारेंगे। ये देखिए क्लोज, ये ऐसा होता है, ये मलूक किस तरह से लगे होते हैं पेड़ पे। और पहले इनका कलर जो होता है वो सबसे पहले ग्रीन, फिर येलो, और उसके बाद जब ये पक जाते हैं तो ये ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसको उतारना वो भी थोड़ा सा टफ होता है। हम किसी स्टिक के साथ इसके ऊपर ऐसे करेंगे और ये मलूक सारे नीचे गिर जाएंगे, और नीचे हम कुछ बिछा लेंगे तो उससे ये इजी हो जाएगा इसे संभालना। अदरवाइज़ एक एक करके मलूक चुनना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है।